कोल सेक्टर में 100% एफडीआई के विरोध में मजदूर यूनियन की 5 दिवसीय हड़ताल चल रही है। पहले दिन इस हड़ताल का उतना असर नहीं दिखा, लेकिन आज यानी कि दूसरे दिन सभी मजदूर संगठन इसमें शामिल हो जाएंगे। खासकर झारखंड के कोयलांचल इलाके में इस हड़ताल से कोयला उत्पादन पर खासा असर पड़ सकता है। धनबाद, गिरिडीह, खलारी, रामगढ़ में कोलियरियों में खनन और माल ढुलाई ठप हो सकती है। 2015 के बाद कोयला उद्योग में दूसरी बार 5 दिवसीय हड़ताल की जा रही है। कोयला खनन क्षेत्र में खदान मालिकों के शोषण को देखते हुए साल 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इससे कोयला क्षेत्र में काम करने वालों के जीवन स्तर में सुधार हुआ, लेकिन एक बार फिर कोयला खनन क्षेत्र को निजीकरण की ओर धकेला जा रहा है। पर मजदूर रांची कोयला उद्योग में 100% एफडीआई के विरोध में मजदूर संगठनों ने 27 सितंबर तक हड़ताल का आह्वान किया। इस मुद्दे पर कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया के अधिकारियों की मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता विफल हो चुकी है। दोनों पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। कोयला सचिव ने झारखंड के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कोयला उद्योग में हड़ताल के दौरान विधि व्यवस्था का संकट उत्पन्न होने की आशंका जाहिर करते हुए सहयोग मांगा है। रांची के सीसीएल में भी हड़ताल का असर देखा जा रहा है। हमारा जो मजदूर है, हमारे मजदूरों में इसको लेकर के काफी आक्रोश है कि अगर ये विदेशी निवेश हो जाएगा तो हम लोगों का जो आगे का भविष्य है वो खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए ये हम लोग उनका नेतृत्व करते हुए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। एनके क्षेत्र 100% बंद हो गया, कुज्जू में बंद हो गया, साइडिंग बंद हो गया, बीएनके में थोड़ी झड़प हुई है और आपको चरी में बंद हो गया है। कुल मिलाकर हमारा जितना 14-15 क्षेत्र है सभी जगह उत्पादन हम लोगों ने बाधित किया है और डिस्पैच भी रोकने का काम किया है ताकि कोयला सरकार तक नहीं पहुंचे, थर्मल पावर तक नहीं पहुंचे, और हम लोगों ने पूरी मुस्तैदी के साथ इसमें खड़ा होकर विरोध किया। धनबाद, इधर धनबाद में कोयला उद्योग में 100% एफडीआई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ मजदूर संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। धनबाद कोयलांचल में कोल इंडिया की बीसीसीएल और ईसीसीएल की कोयला खदाने हैं। समर्थक हड़ताल को सफल बनाने के लिए सुबह से ही कोलियरी क्षेत्रों में सक्रिय हो गए। बीएमएस के साथ ही कोयला उद्योग में एफडीआई का दूसरे मजदूर संगठन भी संयुक्त मोर्चा बनाकर विरोध कर रहे हैं। संयुक्त मोर्चा ने 24 सितंबर को कोयला उद्योग में हड़ताल की घोषणा की है। भारतीय मजदूर संघ ने हड़ताल से जरूरी जन सुविधाओं को अलग रख दिया है। अस्पताल, पानी, बिजली, खदान में पंपिंग आदि जैसी जरूरी सुविधाएं बहाल रहेंगी। वहीं कर्मियों को बिना हाजिरी बनाए काम करने की सलाह दी गई। 24 सितंबर को संयुक्त मोर्चा के बैनर तले इंटक, एचएमएस, सीटू, एटक और एक्टू सहित विभिन्न श्रम संगठनों ने एक दिवसीय हड़ताल की घोषणा की। बाघमारा, भारतीय मजदूर संघ और कोलियरी कर्मचारी संघ के 5 दिवसीय हड़ताल का असर दिखने लगा। बीसीसीएल का अधिकतर खदान ठप थी। एफडीआई के विरोध में हड़ताल कर रहे मजदूरों और प्रबंधकों के बीच काम शुरू करने को लेकर तनाव बना हुआ है। कोल इंडिया में भारत सरकार के द्वारा जो एफडीआई 100% लागू किया जा रहा है उसके व्याप में भारतीय मजदूर संघ द्वारा जो 5 दिन का हड़ताल 23 तारीख से 27 तारीख का किया गया है उसके समर्थन में हम लोग आह्वान किए हैं मजदूरों से, साथियों से, और सब ने अपना पूरा सहयोग देकर काम अपना बंद किया है। कौन कौन कोलवरिया बंद है अभी? अभी तो हम लोग का मुरैडी, शताब्दी, डेको, साइडिंग सबका काम अभी बंद है। पेरमो, केंद्र सरकार द्वारा 100% एफडीआई लागू किए जाने के विरोध में बीएमएस ने सोमवार से बेरमो कोल इंडिया में 5 दिवसीय हड़ताल शुरू की। हड़ताल का सीसीएल के बेरमो कोयलांचल स्थित बी एंड के और कथारा क्षेत्र में ट्रांसपोर्टिंग ठप रही, लेकिन दूसरी तरफ अधिकतर वर्करों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कोयले का उत्पादन किया। सरकार किसी का हो, हम मजदूर हित की बात करते हैं और मजदूर के लिए कार्य करते हैं, और ट्रेड यूनियन जितने ट्रेड यूनियन है वो सिर्फ दलाली पर उतरे हैं। आज उन्हें विपक्ष का रोल अदा करना चाहिए था। उन्होंने एक दिन का बंदी देके खाना पूर्ति किया और मजदूरों के साथ धोखा किया। चंद्रपुरा,
चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र में सीएचपी के ट्रैक हॉपर और वैगन ट्रिपलर में 80 ठेका मजदूरों को नियोजन दिलाने की मांग को लेकर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत एटक ने प्लांट के गेट को जाम कर दिया। वहीं इस गेट के जाम से निपटने के लिए डीईसी प्रबंधन ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। प्रबंधन ने पहले से कर्मचारियों को प्लांट में प्रवेश करा दिया था, जिससे विद्युत उत्पादन में कोई असर नहीं पड़ा और प्लांट सुचारू रूप से काम करता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। अरविंद से गिरिडीह से मौजूद है हमारे साथ। अरविंद, 2015 की बात करें, 5 दिवसीय हड़ताल था और उसके बाद अब 2019 में ये हड़ताल है 5 दिवसीय। हालांकि कल कुछ खास असर नहीं पड़ा था, लेकिन आज इसका असर पड़ सकता है। जी रायदा, मैं बता दूं कि कोयला सेक्टर में 100% एफडीआई के खिलाफ में जो आंदोलन था, कल कुछ संगठनों ने ही किया था, लेकिन आज संयुक्त मोर्चा, जिसमें बीएमएस, आरसीएमएस समेत इंटेक के तमाम जो मजदूर संगठन हैं, वे लोग शामिल होकर आज सुबह से ही हड़ताल कर दिए हैं। जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है, कोयला का उठाव और डिस्पैच प्रभावित हुआ है। तो कहा जा सकता है कि संयुक्त मोर्चा का हड़ताल का पूरी तरह सीसीएल क्षेत्र में, जो गिरिडीह का सीसीएल का इलाका है, वहाँ असर पड़ा है। कबरीबाग माइंस में उत्पादन ठप है, जो कोयला का उठाव कर डिस्पैच होना था उन गाड़ियों को रोका गया है, इस कारण कोयले का डिस्पैच नहीं हो पा रहा है। तो कहा जा सकता है कि इस हड़ताल का आज व्यापक असर पड़ा है। आज तमाम संगठनों ने मिलकर एक साथ आंदोलन की रूपरेखा तैयार की थी और इसी के तहत सभी रोड पर उतर कर आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि कोयला सेक्टर में जो आज आंदोलन शुरू की गई है, उसका व्यापक असर सीसीएल क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। रायदा जी, तो कल से ये हड़ताल शुरू हुई है और कहीं ना कहीं मजदूर जो है इतने मजबूर हो गए कि हड़ताल पर उतर आए हैं। बातचीत भी इन्होंने की थी कोयला सचिव से, लेकिन वो वार्ता सफल नहीं हो पाई। क्या एक बार फिर से इनसे संपर्क करने की कोशिश की गई है? देखिए, मजदूरों की अपनी मांग है, उनका साफ कहना है कि पहले से ही छटनी की तलवारें लटकती रही है, हमेशा छटनी का मार मजदूरों को झेलना पड़ता रहा है। और फिर एक बार 100% एफडीआई आने के बाद उन लोगों पर छटनी की तलवार लटक सकती है, उन लोग बेरोजगार हो सकते हैं, बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ सकता है। इन तमाम मांगों को लेकर जो अधिकारी हैं उनसे वार्ता की गई थी यूनियन के अधिकारियों के साथ, लेकिन वार्ता विफल हो गई और ये लोग जोरदार आंदोलन करने को विवश हुए। आज जो स्थिति है सीसीएल क्षेत्र में, तमाम संगठन के लोग पहली बार एक साथ नजर आ रहे हैं और एक साथ मिलकर, हालांकि अलग अलग तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, अलग अलग गुटों में बढ़कर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इसका व्यापक असर सीसीएल पर पड़ा है और कोई वार्ता सफल होता दिखाई नहीं दे रहा, जिसके कारण हड़ताल का व्यापक असर है और कोयले का उत्पादन और डिस्पैच प्रभावित हुआ है। मैं बता दूं कि रैक पॉइंट भी है वहां से, जहां से रैक से कोयला सीसीएल से निकलता है, उसे भी रोका गया है। तो कहा जाता था ट्रकों के साथ ट्रेनों से भी जो धुलाई होता है उसे वो प्रभावित हुआ है। लाखों का आज कहा जा सकता है कि ट्रांजेक्शन रुकेगा। निश्चित तौर पर आंदोलन अगर सफल वार्ता नहीं हुई तो ये आंदोलन धीरे धीरे और विकराल रूप लेता जाएगा। जी बिल्कुल, अभी स्थिति हालांकि उतनी दयनीय नहीं हुई है, लेकिन अगर इनकी मांगों पर या फिर जिस तरीके से कोयला के निजीकरण की बात चल रही है, उससे जाहिर तौर पर इनकी परेशानी बढ़ सकती है। आज वहां पर जितने भी कोयला मजदूर हैं, उनका क्या कहना है इसे लेकर? वो कितने ज्यादा सचेत नजर आ रहे हैं? क्या एक बार फिर से उन्होंने कोशिश की है कि इस पर बातचीत की जा सके? देखिए रायदा, सीसीएल प्रबंधन के खिलाफ में जमकर नारेबाजी की जा रही है, मजदूरों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा, ये नारे लगाए जा रहे हैं। मनमानी नहीं चलेगी, सरकार के खिलाफ में नारेबाजी की जा रही है, कोयला मंत्रालय के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। 100% जो एफडीआई किया गया उसका जो पुरजोर विरोध किया जा रहा है, और इन लोग आखिर बात करें तो किसे करें? जो सरकार की नीति है उस तो सरकार के स्तर से ही वार्ता हो सकती है। जो अधिकारी हैं वे भी अपनी हाथ बंधे होने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वार्ता का प्रयास जारी है कि किसी तरह से जो मजदूर संगठन है, मजदूर यूनियन है, उनकी बातों को सरकार तक, संबंधित मंत्रालय तक पहुँचाई जाए और उसके बाद फिर कोई रास्ता निकाला जाए। लेकिन अभी जो फिलहाल स्थिति है उसमें यही है कि कोई ठोस वार्ता नहीं हुई है, जिसके कारण संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कोयला मजदूर हड़ताल पर उतरने को बाध हुए हैं। और साफ साफ एक सूत्री मांग है कि 100% जो एफडीआई लाया गया है कोयला उद्योग में, उसे वापस लिया जाए। चलिए जरा सहयोगी, हमारे
अरुण बंडवाल धनबाद से बने हुए हैं, जरा इनसे भी जान ले कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है। कोयला मजदूर हड़ताल पर है, आज दूसरा दिन है। अरुण, कैसे स्थिति वहां पर बनी हुई है? देखिए राजदा, जो कोयला मंत्रालय में, जो कोयला उद्योग में जो आज हड़ताल है, ये संयुक्त मोर्चा की हड़ताल है। कल स्टार्ट किया था इसको बीएमएस ने, सिर्फ एक यूनियन रहने के कारण जहां उनका प्रभाव था वहां तो इसका असर देखा गया। अदरवाइज जो बीसीसीएल में है, बहुत ऐसी जगह थे, बहुत ऐसी कोलियरियाँ थी जहाँ काम हुआ, जहाँ मजदूरों ने हाजिरी बनाकर अपना ड्यूटी किया था। आज जो ये 24 तारीख है, इसमें जितने कोयला मंत्रालय में जितने ट्रेड यूनियन हैं, सबों ने संयुक्त रूप से आह्वान किया आज के बंद को, और इसका व्यापक असर आज सुबह से ही कोयलांचल में देखा जा रहा है। आज भी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये धनसार है, बहुत बड़ा विश्वकर्मा प्रोजेक्ट है, यहाँ भी पूरी तरह से काम कहें तो मजदूरों ने बंद कर रखा है। आप देख सकती हैं यहाँ पे घेराव कर रखा है इन्होंने इस वर्कशॉप को, और सार कोई भी मजदूर स्वतः हाजिरी घर में भी नहीं जा रहा है। जैसा कि यहाँ पर जानकारी मिली है कि कुछ जो इमरजेंसी जो कुछ होना था, इमरजेंसी ड्यूटी में जो रहते हैं, पंप ऑपरेटर रहते हैं या फिर और मेडिकल वैन चलाने वाले होते हैं, एम्बुलेंस वगैरह, उनको हड़ताल से अलग रखा गया था। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी मजदूर आए हैं जो इतने कॉन्शियस हैं अपने इस अपने भविष्य को लेकर कि उन्होंने इमरजेंसी ड्यूटी का भी बहिष्कार कर दिया है। तो देख रहे हैं अब कुछ ट्रेड यूनियन के लोग हैं, चलेंगे सीधे उन्हीं के पास और जानेंगे जो कितना व्यापक असर आज का इस हड़ताल का, जो संयुक्त मोर्चा की जो हड़ताल है उसका कितना व्यापक असर है। अरविंद जी, ये जनता मजदूर संघ के अरविंद सिंह हैं, पूरे केंद्रीय सचिव, इन्हीं से जानते हैं पूरे बीसीसीएल का हाल पहले। अरविंद जी, पूरे बीसीसीएल की बात करें, आप मजदूर संघ के केंद्रीय सचिव हैं, क्या अब तक हड़ताल की क्या स्थिति है? पूरा बीसीसीएल में 100% हड़ताल सफल है और कोई भी मजदूर आज हाजिरी नहीं बनाया है। पूरा तमाम भारत कोकिंग कोल के एक भी कोलेरी चालू नहीं है, अरे हड़ताल 100% सफल है। आपको यह इमरजेंसी ड्यूटी के लिए शायद आप लोगों ने, यूनियन ने बोल रखा था जो इमरजेंसी ड्यूटी जिनकी है वो जा सकते हैं, तो क्या ऐसा सूचना मिल रही है जो कुछ इमरजेंसी ड्यूटी को भी लोगों ने बहिष्कार कर दिया है? कोई भी मजदूर कार्य करने के लिए तैयार ही नहीं है, स्वतः रूप से हड़ताल में है प्रत्येक मजदूर, बोला कि हम लोग काम करेंगे ही नहीं, इसलिए सारा कुछ बंद है। अच्छा, ऐसा क्या है, केंद्र सरकार बता रही है जो अगर एफडीआई आ जाएगा, विदेशी निवेश इसमें आ जाएगा, तो ना सिर्फ कोयला उद्योग की हालत सुधरेगी, पूरे कोल इंडिया का हालत सुधरेगा, बल्कि मजदूरों का भी जो भविष्य है वो और उज्ज्वल होगा। आप लोग को कहाँ खतरा दिख रहा है? हम लोग को तो खतरा दिख रहा है कि जब विदेशी कंपनियां आएंगी और डायरेक्ट कोयला निकालेंगे और बेचेंगे, तो निश्चित रूप से उसका बुरा प्रभाव कोल इंडिया के मजदूरों पर पड़ेगा, कोल इंडिया पर पड़ेगा। एक दो पुरुष से ही यहाँ पर आउटसोर्सिंग जब से चालू हुआ उसमें मजदूरों का ही लॉस हुआ। आज तमाम कोलेरी, अधिकांश कोलेरी आउटसोर्सिंग में देकर रखे हुए हैं और मजदूर से कोई काम नहीं करवाते हैं केवल, और आउटसोर्सिंग का मतलब है केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, मतलब निजीकरण की ओर। हाँ, पूरी तरह से निजीकरण की ओर जा रहा है। मजदूरों में बहुत आक्रोश है, आरसीएमएस के भी नेता है यहाँ पे, उनसे भी जानते हैं क्या लग रहा है, क्यों एफडीआई का विरोध? एफडीआई से मजदूर वर्ग में पूरा आक्रोश है, इससे लॉस है, मैंने ये अच्छा चीज नहीं है, इसके विरुद्ध में हम लोग स्ट्राइक किए हैं। पूरे भारत बंद है, कोल इंडिया पूरे मैंने बंद है, और देखिए निश्चित रूप से सारे मजदूर संगठन जो है अपने भविष्य को लेकर बहुत ही कॉन्शियस हैं। कुछ और मजदूर हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या एटक के भी यहाँ मजदूर नेता हैं, क्यों एफडीआई का विरोध? एफडीआई विरोध मजदूरों का बिल्कुल शोषण करना है, इसलिए कि एफडीआई आने से आस्ते आस्ते देश गुलाम के रोज आ जाएगा, कोल इंडिया गुलामी और हो जाएगा और विदेशी के हाथों में चला जाएगा, जिस तरह से आज से कुछ साल पहले हुआ था और हम लोग पुनः उसके लिए कुर्बानी दिए, लड़े तब हमारा देश आजाद हुआ। एफडीआई नहीं, ये पूरा देश के गुलाम की ओर ले जाने की साजिश है, पूरा देश का खतरा है, मजदूर तो है पूरा देश का खतरा है। देखिए राजदा, निश्चित रूप से जिस तरह की बात आ रही है, जो ऐसा मजदूरों का, ये मजदूर नेताओं का ये मानना है कि राष्ट्रीयकरण के पूर्व की जो स्थिति थी कोलियरियों में निजी मालिकों के हाथों में, तो वो तो थे हिंदुस्तान के ही इसी के, लेकिन अब जो विदेशी निवेश होगा पूरी तरह 100%, तो इसका असर पूरे न सिर्फ कोयला उद्योग बल्कि पूरे देश पे पड़ेगा, और एक तरह से पूरा कोयला उद्योग विदेशियों के हाथों में चल जाएगा, और जो कोयले जो जरूरत यहाँ के जो पावर प्लांट हैं, यहाँ की जो इंडस्ट्रियां हैं जहाँ कोयला जाती है, महंगे हो जाएंगे और उसका असर आम जनता तक भी जाएगा। कुछ और यूनियन के नेता सहयोगी अरविंद भी मौजूद है, वो भी वहाँ का हाल हमें बता रहे हैं कि अरविंद
अब जो कोयला मजदूर है वो कई बार इस बात को लेकर बातचीत की है, उसके बावजूद वार्ता सफल नहीं हो पाई और आखिरकार मजबूर होकर इन्हें हड़ताल पर उतरना पड़ा। 2015 के बाद 2019 में ये 5 दिवसीय कोयला मजदूरों की हड़ताल है। वहां पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो जरूरी चीजें हैं, क्या उन्हें इस हड़ताल से मुक्त रखा गया है? देखिए, मैं बता दूं कि सबसे बड़ी बात है कि इस हड़ताल का असर कहाँ पड़ा है। सीधे तौर पर कोयले के उत्पादन और डिस्पैच पर इसका सीधा असर पड़ा है, बाकी किसी तरह के कोई अवरोध नहीं है। सीधा इन लोग की लड़ाई कोयला सेक्टर से है, कोयला मंत्रालय से है, सरकार से है और संबंधित प्रबंधन से है। इन लोगों का साफ कहना है कि आम आदमी को कोई तकलीफ नहीं हो, इसका ख्याल रखा गया है। लेकिन जो मुख्य मार्ग जहाँ से कोयले का निकासी होता है, जहाँ से कोल डंप है, जहाँ से लोड कर कोयले का डिस्पैच होता है, उन तमाम चीज़ों को अवरुद्ध किया गया है। ट्रकों का ट्रक में ना तो लोडिंग हो रही है ना डिस्पैच हो रहा है, तो कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर कोयला के उत्पादन पर असर पड़ा है, आम लोगों का जनजीवन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। तो सीधे तौर पर उन लोगों की लड़ाई भी इसी से है। अब मजदूरों का कहना है कि वे अपने हक के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहे, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। एक बार पुनः वे लोग आंदोलन के मूड में आए और इस बार आर पार की लड़ाई की बात कर रहे हैं, और यही कारण है कि तमाम संगठन, जो भी संगठन है, जो आपस में एक दूसरे से किसी के पटती नहीं, वे भी एक साथ एक बार इस आंदोलन में आए हैं। चाहे तो कहें BMS की बात कहें, RCMS की बात कहें, अलग अलग संगठनों की बात कहें, ये तमाम संगठन पहली बार एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं और इस बार आर पार के मूड में है। तो रायदा कहा जा सकता है कि मजदूरों के इस हड़ताल का असर भी देखा जा रहा है। हालांकि मैं एक बात और बता दूँ कि जो कोयले का अवैध खनन है उस पर कोई असर देखा नहीं जा रहा है। साइकिल वाले आज भी कोयले को लेकर निकलते देखे गए। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि जो डंप किया हुआ कोयला किन्हीं माफियाओं के द्वारा है, उसे उठाकर लिया जा रहा है, लेकिन जो CCL का उत्पादन का इलाका है, कबरीबाद माइंस हो या अन्य माइंस हो, वहाँ पर पूरी तरह असर पड़ा है और ना तो कोयले का उठाव हो रहा है और ना कोयले का डिस्पैच हो रहा है। जी राजा, चलिए अरुण, जिस तरीके से वहाँ पर मजदूर यूनियन मौजूद है, हड़ताल पर है, नारेबाजी कर रहे हैं, साफ तौर पर उनका कहना है कि 100% FDI का उनका विरोध है, क्योंकि इसके लागू होने से बेरोजगारी बढ़ जाएगी, उनके साथ कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। देखिए राजदा, निश्चित रूप से इन मजदूरों का जो भविष्य है वो इसे पूरी तरह से, पहले ही पूरा कोयला इंडस्ट्री धीरे धीरे आउटसोर्सिंग के हाथों माध्यम से निजी हाथों में जा रहा था। सभी पूरे BCCL में कहें तो आउटसोर्सिंग मजदूरों की संख्या अधिक है बनिस्पत स्थायी मजदूरों के। तो इनको ये खतरा अब सताने लगा है कि अगर विदेशी निवेश होंगे तो इनका जो भविष्य है, इनकी जो नौकरियाँ हैं वो जाएगी और उसका पूरा असर ना सिर्फ कोयला उद्योग बल्कि देश के दूसरे सेक्टरों पे भी मिलेगा। मैं बात कर रहा था BCKU के एक मजदूर नेता है यहाँ पे। देखिए, केंद्र सरकार बता रही है जो इस ये FDI अगर आ जाएगा तो बाहर से पैसे लगेंगे इस कोयला उद्योग में, कोयला उद्योग और सुधार होगा, कोयला उद्योग में बहुत सुधार होगा, मजदूरों की भी हालत सुधरेगी। आप क्या मान रहे हैं, इसको क्यों विरोध? नहीं, ये तो बात गलत है। FDI आने से मजदूर का नुकसान है, क्योंकि छोटा छोटा कंपनी भी बंद हो जाएगी और बाहर का जो निवेश आएगा बहुत नुकसान होगा। इसीलिए आज हम लोग 24 तारीख को पूरा मजदूर संगठन संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आई कोल इंडिया चक्का जाम है। देखिए, सारे का विचार जो है अलग अलग विचार के से प्रभावित है मजदूर संगठन, लेकिन इस एक मुद्दे पे फौरन जो FDI जो होने वाला है उस एक मुद्दे पे सारे लोग एकजुट दिखाए हैं। हालांकि जो कल से स्ट्राइक पे थे वो BMS के लोग, वो अगले 5 दिन और 3 दिन उनका और स्ट्राइक है, लेकिन आज की जो हड़ताल है वो बहुत प्रभावकारी है, क्योंकि पूरे कोल इंडिया में जितने मजदूर संगठन कार्यरत है सभी एक साथ इस मुद्दे पर एक साथ जुटे हुए हैं। और देखना ये है कि इस पर क्या कुछ फैसला कोल मंत्रालय लेती है, क्योंकि 5 दिवसीय ये कोयला मजदूरों की हड़ताल है, 100% FDI का विरोध कर रहे हैं कोयला मजदूर, इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर ये लागू होती है तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, इनके सामने समस्या पैदा हो जाएगी। अरविंद, अरुण, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो 100% FDI लागू करने के विरोध में है ये मजदूर और साफ तौर पर इनका जो 5 दिवसीय हड़ताल है उसका असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।